खतरों के खिलाड़ी सीजन 12, प्रतीक रुबीना और शिवांगी समेत लॉक हुए ये सेलिब्रिटी। सामने आई कंफर्म कंटेस्टेंट्स की लिस्ट। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 संभवतः जून महीने से टीवी पर प्रसारित होने वाला है। मई के आखिरी हफ्ते के दौरान शो की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केपटाउन में शुरू होने वाली है और तेजी से मेकर्स खिलाड़ियों के नाम को फाइनल करने में लगे हुए हैं। इसी बीच कंफर्म सदस्यों की लिस्ट सामने आई है जिसमें रुबीना दिलेक का नाम है। रुबीना ने शो को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। वहीं अगला नाम शिवांगी जोशी का है। शिवांगी जोशी ने कहा कि खतरों के खिलाड़ी मेरा पहला रियलिटी शो होने वाला है और मैं इसे लेकर बेहद उत्सुक हूं। जहां मेरे डर की परीक्षा होगी, मुझे उम्मीद है कि ये एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होने वाला है। रोहित शेट्टी से मिलने के लिए शिवांगी ने उत्सुकता जताई है। तीसरा नाम मोहित मलिक का है और ये भी कन्फर्म कंटेस्टेंट है। मोहित ने कहा कि उन्होंने झलक दिखला जा 2015 में किया था और वो उस समय फाइनलिस्ट भी बने थे, लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ नहीं आई थी। तो अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि 2022 में खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब हों। इसके अलावा एक नाम और कंफर्म बताया जा रहा है, वो है मुनव्वर फारूकी का, लेकिन वो इस समय लॉकअप में है। खबरें ये सामने आ रही है कि मुनव्वर की टीम की तरफ से सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, केवल मुनव्वर को बाहर निकल कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कुमकुम भाग्य की श्रीति झा का नाम भी कन्फर्म कंटेस्टेंट्स में से एक है और वो भी शो को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। कंफर्म सदस्यों की सूची में चेतना पांडे का भी नाम है और चेतना पांडे की तरफ से भी कंफर्म किया गया है। वहीं खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा लेने जा रहे इन कंफर्म नामों के अलावा प्रतीक सहजपाल, राजीव दातिया, निशांत भट्ट, उमर रियाज का नाम भी शो में पार्टिसिपेट करने वाले सदस्यों के तौर पर सामने लिया जा रहा है। लेकिन इनमें से कितने नाम कंफर्म हुए हैं ये कह पाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिन नामों को कंफर्म सदस्यों के तौर पर बताया गया है उनमें से कई सेलिब्रिटीज ने खुद ही कंफर्म किया है कि वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।